अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज नासिर सलीम, आई एम फ्रॉम द एड्रेस रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बैरियर टाउन कराची के अंदर। लग्जरी विला कहाँ पे मिलेगा, उसके अभी करंट प्राइसेस क्या हैं और उसकी सराउंडिंग्स, लोकेशन और कितने विलास हैं इस प्रेशन के अंदर और इसकी जो FPR वैल्यू है, ट्रांसफर टैक्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। और एंड तक वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची में जो बहरिया ने जो कंस्ट्रक्ट किए थे, खुद बहरिया ने जो कंस्ट्रक्शन की हुई है विलास की, और उसके अंदर लग्जरी विला जो है ये 350 स्क्वायर यार्ड के विला है, प्रिसन 35 के अंदर, जो कि मेन गेट से लेके अराउंड तकरीबन आपको जो है 24 से 25 किलोमीटर पड़ेगा, तकरीबन अराउंड 26-27 मिनट्स लगेंगे आपको यहाँ पे पहुँचते हुए। लेकिन ये बहुत सुकून दे जगह है, काफ़ी थोड़ा सा दूर है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है बेहतरीन किस्म की यहाँ पे लिविंग मिलेगी। प्लस इसके अलावा बहुत सी फैमिलीज यहाँ पे जो है शिफ्ट हो चुकी हैं, जो जिना के करीब जो एरिया है इसके अंदर स्पोर्ट सिटी का, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं। और इसकी जो बैक साइड पिशन 32 के जो बिल्कुल साथ एरिया है, क्योंकि पिशन 35 की जो दो विलास की जो लोकेशन है, एक नाले की तरफ और एक दूसरी साइड पे, वहाँ पे जो है अभी आबादी बहुत कम है, लेकिन जो जिना के करीब है यहाँ पे अभी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और फैमिली वहाँ पे काफ़ी शिफ्ट हो चुकी हुई है। और इसकी अभी करंट प्राइसेस वगैरह और सारे जो है लोकेशन के बारे से मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ, इसकी FPR वैल्यू। और यहाँ पे अभी जो पेशेंट 35 है, 350 स्क्वायर यार्ड के लग्जरी विलास जो आप वीडियोस में देख भी रहे होंगे, तो ये बेहतरीन किस्म के विलास हैं, 4 बेडरूम विलास हैं, ग्राउंड प्लस वन ऑब्वियसली बहरिया के अंदर जितने भी हैं एक्सेप्ट ग्रीन्स के, ग्राउंड प्लस वन ही अलाउ है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको जो है फ्रंट पे भी इसमें जो है गार्डन मिलेगा और सबसे बड़ी की बात ये कि बैक साइड पे भी काफ़ी वाइड एरिया के अंदर आपको जो है गार्डन मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, क्योंकि ये आपको जो है बहरिया जिना मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल थोड़ा सा ही साथ ही पड़ेगा, अराउंड 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर बिल्कुल सामने ही है, पिशन 36 है उसके साथ ही है ये, वो भी बिल्कुल बहुत माइनर से जो है डिस्टेंस है, तकरीबन आपको ये जिना ही के साथ ही तकरीबन कहलाएगा क्योंकि। और सबसे बेहतरीन बात ये कि बिल्कुल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल सामने है ये, और मेन अट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे जब यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अलग ही माहौल होगा, और डेफिनेटली उसके पास जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी तो एक पूरा उन्होंने एक स्पोर्ट्स एरिना बनाया है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनेंगे, डिफरेंट किस्म के वहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ होंगी, और उसी के बिल्कुल सामने है ये पिशन 35 के जो विलाज है 350 स्क्वायर यार्ड्स के। और जहाँ तक बात है इसकी जो FBR वैल्यू, करंट वैल्यू जो है वो अभी 62,56,250 है, लेकिन इसकी जो करंट लॉन्चिंग जो बहरिया ने जिस पर लॉन्च किया था 1,47,000 थे, 1,47,00,000 रुपीज़ थी। और लेकिन अभी इसकी जो करंट मार्केट है वो आप गेस कर सकते हैं कितनी होगी, इसकी जो है पोजेशन चार्जेस जो है वो तकरीबन 9 लाख रुपीज़ हैं, यूटिलिटी एंड पोजेशन चार्जेस वो 9 लाख रुपये हैं। और अभी इसकी जो करंट प्राइसेस है वो तकरीबन 2,20,00,000 से लेके 2,60,00,000, 2,70,00,000 के दरमियान है, डिपेंड करता है किस लोकेशन पे है, कॉर्नर है, कैटेगरी प्लॉट है, सेमी कॉर्नर है, वेस्ट ओपिन हो गया, रोड के प्लॉट, रोड के विलास वगैरह, तो इनके रेट्स थोड़े से जो जनरल विलास होते हैं उनसे थोड़े से हाई होते हैं, तो ये चीज़ सारी देखी जाती है। और एंट्रेंस के कितना करीब है, ज़्यादा बैक साइड पे तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं उनको, ओवरऑल जो है उसकी जो है एकोमोडेशन के करके, तो उसकी जो है एक्चुअल प्राइस वगैरह आप मालूम कर सकते हैं। नॉर्मली जो है जनरल विला जो है वो आपको 2,20,00,000, 2,22,00,000, इवन के 2,17-18 लाख तक भी जो है आपको यहाँ पे 350 स्क्वायर यार्ड का जो है लग्जरी विला मिल जाएगा बिल्कुल। और सेकंड थिंग इज दैट के इसकी जो है ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो टैक्स वगैरह जो 2% है, पेशे का फाइल जो है फाइलर है, बायर सेलर दोनों का 2% है, और अगर आप ओवरसीज है तो आपको जो है एग्जेम्प्ट है, और अगर आप जो है नॉन फाइलर है तो आपको जो है बायर है तो 7% है, और अगर आप सेलर हैं तो 4% आपको जो है इसकी जो FBR वैल्यू जो मैंने आपको बताई 62,56,000 है उसका जो है 2% आपको जो है देना पड़ेगा फाइलर वालों को। तो ये सारी चीज़ें थी टोटल, आपको जो मैंने जो डिस्टेंस है वो भी आपको बता दिया, तकरीबन 24 to 25 किलोमीटर्स है क्या कहते हैं मेन गेट से लेके,
और इसके बिल्कुल सामने जो है एफिल टावर है, वो थोड़ा सा जो है पहाड़ के ऊपर है, हाइटेड लोकेशन पे। तो ये है कि काफ़ी इसके आसपास जो है काफ़ी सराउंडिंग्स में काफ़ी अट्रैक्शन आप उनके बनाई है इन्होंने। और यहाँ पे आते ही एक जो है प्रिसेंट 28 के अंदर जो है डांसिंग फाउंटेन भी है। प्लस इसके अलावा यहाँ पे जो है क्या कहते हैं काफ़ी सारी अट्रैक्शन और भी फ्यूचर में जो है अराउंड बनेंगी। इन्होंने काफ़ी रिजर्व एरिया रखे हुए हैं जो कि इन फ्यूचर आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे। प्लस इसके अलावा प्रिसेंट 31 के अंदर जो है गैलरी भी बन रही है, और मस्जिद जो ऑलरेडी प्रिसेंट 35 के अंदर ऑलरेडी जो है वो ऑपरेशनल है, बिल्कुल रेडी है। और ज़्यादा बात है इसकी जो जिना एवेन्यू से बिल्कुल करीब है। और ये बाकी सारी आपको जो मैंने चीज़ें बता दी है, क्योंकि यहाँ पे एक लग्जरी विला है और अगर आपने सुकून से लेना तो बिल्कुल बेहतरीन लोकेशन है। पर्सनली अगर आपने लेना है तो उसके लिए बेहतरीन जगह है। और अगर आप ये लेकर इसको जो है रेंट पे देना चाहते हैं तो भी ये जो है आपको जो है अच्छा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि करंट मार्केट अभी जो है रेंट की जो चल रही है तकरीबन आपको यहाँ पे 45,000 से लेकर 60,000, वही डिपेंड करता है लोकेशन, तो आपको 60,000 के दरमियान ये जो है रेंट पे चले जाएगा आपको जो है। तो खुद ही आप इसका जो है कैलकुलेशन कर लें, आपको जो है रेंट भी इसका आप लेके जो है इसको रेंट पे भी दे सकते हैं, प्लस एज पर जो है टाइम के जो साथ जो है वो आपको जो है इसकी और टोटल ओवरऑल जो है अप्रिसिएशन के साथ इसकी जो वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, प्लस आप जो है रेंटल इनकम भी आती रहेगी। और अगर आप रहने चाह रहे हैं तो फिर तो ये बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन है। और बाकी ये कि अगर आप ये विला बाय करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और व्हाट्सएप लिंक भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और किसी भी किस्म की इसके अलावा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो भी आप उससे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और जहाँ तक बात है कि प्लॉट्स वगैरह या किसी और चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से भी जो है फर्दर आपको जो है वीडियोज़ मिलती रहेंगी टाइम बाई टाइम। तो आज तक के लिए इस वीडियो के अंदर इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी फर्दर आपको जो है डिफरेंट वीडियो में आपको जो है नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।